मात्र से लेकर अब तक जिन जरूरतमंद और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं बुजुर्गों ने प्रदेश सरकार की वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन किया है। वह पेंशन ना हो उन्हें पेंशन मिलेगी तो, मगर जरा देर से समाज कल्याण निदेशालय के अधिकारियों ने ऐसे नए आवेदकों की संख्या करीब 2.5 लाख बताई है। आपको बता दूँ कि जैसा कि आप सब जानते हैं, फिलहाल चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए पात्र पाए गए 54,97,000 लाभार्थी को जुलाई, अगस्त, सितंबर की पेंशन राशि उनके आधार CDA बैंक खातों में भेजा जा रही है। दरअसल नए आवेदकों को यह पेंशन देर से मिलने वाली वजह इस साल 16 जून को कई विभागों को डेटा हैक हो जाना है। इस साइबर हमले में समाज कल्याण विभाग की सॉफ्टवेयर एजेंसी श्री टोन भी शामिल रही, जिसका डेटा हैक होने की वजह से नए आवेदकों का ब्यौरा प्रभावित हुआ है। अब समाज कल्याण निदेशालय सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों से मार्च से अब तक वृद्धा पेंशन के लिए आवेदकों के बैंक खातों की आधार सेंडिंग करवा कर पूरा ब्यौरा फिर से संचालित करवा रहा है। इस वजह से नए आवेदकों पेंशन में देरी हो रही है। आपको बता दूँ कि उत्तर प्रदेश में वृद्धा पेंशन कब तक आएगी, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, समाज कल्याण विभाग द्वारा 2023-2024 वित्तीय वर्ष का कैलेंडर कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 23-24 की चतुर किस्त का पैसा 15 मार्च 2024 को सभी जनपदों का वृद्धा पेंशन वितरण की जाएगी। यानी 15 मार्च को अपना वृद्धा पेंशन के सभी पात्र लाभार्थियों को एक किस्त 3,000 रुपये की ट्रांसफ़र की जाएगी। आपको बता दूँ कि जैसा कि आप सब जानते हैं, पेंशन रुक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से आपको संपर्क करना होगा। उन्होंने बताया कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति छूट जाता है जो पेंशन का लाभार्थी है, तो वह अपने नज़दीकी ग्राम विकास अधिकारी या अपने ग्राम प्रधान या समाज कल्याण के ऑफिस में जाकर अपना सत्यापन करा सकते हो। आपको बता दूं गाइज कि इस महीने में पेंशन देर क्यों हो रही है, तो संभावना है कि नवंबर में महीने में अपना जीवन प्रमाण पत्र और गैर रोजगार प्रमाण पत्र या रोजगार प्रमाण पत्र बैंक को प्रस्तुत नहीं किया होगा। प्रत्येक पेंशन भोगी को बिना किसी रुकावट के पेंशन का वितरण प्राप्त करना एक अनिवार्य आवश्यकता है। आपको बता दूं कि वृद्धा पेंशन की स्थिति 2024-2023 क्या है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत लाखों करोड़ों लोगों को हर महीने पेंशन की धनराशि बैंक खातों में हस्तांतरित करके सरकार उन्हें लाभार्थी कर रही है। पेंशन की धनराशि 1,000 प्रति महीने की दर से उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। वृद्धा पेंशन के धारकों को 2023 से 2024 में 3,000 सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा है। आपको बता दूँ कि आप यूपी वृद्धा पेंशन कैसे चेक कर सकते हैं, तो आपको बता दूं कि यूपी वृद्धा पेंशन लिस्ट कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यूपी अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, उसके बाद up.gov.in पर जाना होगा, उसके बाद स्टेप टू में आपको होम पेज पर जाना है। आपको वृद्धा पेंशन योजना के विषय लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज स्क्रीन पर दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। पेंशन मिलने में कितने दिन लगेंगे, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, पेंशन उस महीने के पहले कार्य दिवस पर जमा की जा आएगी जिसमें पेंशन संबंधित या किसी भी मामले में महीने 5वें दिन के बाद नहीं। हालांकि यह देखा गया है कि पेंशन योगियों की पेंशन का भुगतान नियत तारीख पर खाते में जमा नहीं किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप EPS पेंशनभोगियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आप